दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके खुद के ही चैनल परीक्षा अड्डा पे। मैं रक्षा श्रीवास्तव, आज बात करूंगी हिस्ट्री की, जिसमें हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। जब भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए जाते हैं तो हमारा पहला टॉपिक क्या होता है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में एक मोहनजोदाड़ो शहर है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारी पहली ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं। हमारी पहली ट्रिक बहुत ही फनी सी है। देखिए, मोहन ने स्नान किया और अन्न को मात देवी की मूर्ति के सामने दान किया। देखिए, यहाँ पे मैंने डैश किया हुआ है, जो जो वर्ड उससे हम उस वर्ड को निकालेंगे। स्नान से आपका आएगा स्नानागार, स्नान से आपका क्या आएगा स्नानागार, अन्न से आपका आएगा अन्नागार, और मात देवी की मूर्ति तो खुद ही एक वर्ड है, ठीक है। अब इसको हम एक और ट्रिक हम आपको बताते हैं, एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं, जिससे आप बहुत जल्दी इसको याद कर सकेंगे। एक मोहन है, ठीक है, मोहन मान लीजिए कोई एक लड़का है। मोहन को बहुत यूनिक चीज़ें पसंद हैं, जैसे कि उसको बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल चाहिए, खाने की चीज़ें चाहिए, पूजा पाठ की चीज़ें चाहिए। तो हम कैसे उस स्टोरी को बनाएंगे, देखिए। मोहन है, मोहन ने पहले स्नान किया, स्नान के लिए उसको स्नानागार चाहिए, मतलब स्विमिंग पूल चाहिए, ठीक है। तो स्नान से आपका क्या हो गया स्नानागार, ठीक है। अब उसके बाद जब वो स्नान कर चुका, तो स्नान करने के बाद क्या आता है, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ के लिए हमें क्या चाहिए, मूर्ति चाहिए। देखिए, मन में भी पूजा होती है, लेकिन मूर्ति चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हमें ट्रिक को याद करना है किसी भी तरीके से, तो यहाँ माता देवी की मूर्ति की बात होती है, ठीक है। तो वो मोहन जो है माता देवी की मूर्ति की पूजा करता है। अब भाई, स्नान कर लिया, पूजा कर लिया, अब तीसरी चीज क्या आती है भाई, कुछ पेट पूजा भी हो जाए, कुछ अन्न ग्रहण कर ले। तो अन्न के लिए हमें क्या चाहिए, अन्नागार, मतलब जहाँ पे अन्न का भंडार हो, जहाँ पे अन्न रखा हो। तो अन्न से आपका अन्नागार हो गया। तो तीन वर्ड आपके यहाँ निकल के आते हैं, स्नान से स्नानागार, अन्न से अन्नागार, और तीसरा कौन सा है, माता देवी की मूर्ति, ठीक है। अब हम मोहन जोदड़ से निकल के आते हैं काली बंगन पे, ठीक है। मोहन जोदड़ को भूल जाइए, अब दूसरे ट्रिक पे आते हैं, काली बंगन। काली बंगन की खुदाई से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, जब काली बंगन में खुदाई हुई तो वहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए भी बहुत फनी सी ट्रिक है, काली चूड़ियों को अग्नि वेदिका के साथ जुते हुए खेत में फेंक दिया, ठीक है। काली चूड़ियों, जब कोई टोना टटका ज्यादा करता है तो काली चीजों का इस्तेमाल करता है, तो उससे आप याद कर सकते हैं। जैसे काली चूड़िया ले लिया उसने, और एक अग्नि वेदिका, मतलब एक अग्नि कुंड है, उसमें उसने जुते हुए खेत के साथ फेंक दिया। वहां पे चारों ओर खेत जो है जुते हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे उसने फेंक दिया। आप उस तरह याद कर सकते हैं, जैसे काली से आपका काली बंगन जगह हो गया, ठीक। चूड़िया तो खुद ही वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड अग्नि वेदिका, जिसको आप अग्नि कुंड हवन कुंड कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपको जुते हुए खेत प्राप्त हुए। तो क्या तीन चीज कौन से प्राप्त हुए, चूड़ी, अग्नि वेदिका और जुते हुए खेत। अब हम आते हैं लोथल पे। तो जब लोथल की खुदाई हुई, लोथल जानते हैं जगह है, जो लोथल की खुदाई हुई तो वहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, चलिए जानते हैं ट्रिक के माध्यम से। अब हमारी थर्ड ट्रिक कौन सी है, ये भी बहुत फनी सी ट्रिक है, ये लो धान की भूसी का खिलौना गोदी में रख लो। ये लो धान की भूसी का खिलौना गोदी में रख लो, बहुत ही फनी ट्रिक है। लो से आपका लोथल, लोथल, अब क्या क्या प्राप्त हुआ, धान की भूसी जिसे आप पुआल कहते हैं, ठीक है। धान की भूसी, पुआल भी आ सकता है क्वेश्चन में, इसलिए आप दोनों जाने रहिए, धान की भूसी और खिलौना, खिलौना कुछ मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए। गोदी से आप गोदीवाड़ा याद कर लीजिए, गोदीवाड़ा जो एक बंदरगाह है, ठीक है, गोदी में रख लो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं चंदू की। चंदू मीन्स चंद हुदड़ों की बात करते हैं। चंद हुदड़ों में आपको खुदाई के वक्त क्या क्या प्राप्त हुआ, चंदू ने मेला जाके हाथी कंघी और ईंट खरीदा। चंदू ने कहां जाके, चंदू ने मेला जाके क्या खरीदा, हाथी कंघी और ईंट खरीदा। अब इसको कैसे याद करेंगे, चंदू से आपका चंदू हुदड़ों में आपको क्या क्या मिला, हाथी यहाँ पे हाथी की बात हो रही है, हाथी के दांत से जो खिलौने बनते हैं उसकी बात हो रही है, तो क्या मिला, हाथी के दांत से जो खिलौने बनते हैं, कंघी मिली, कंघी जिससे आप बाल झाड़ते हैं, कंघी और ईंट मिला, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के सीमा स्थल के, ठीक है। अब इसके लिए हम दो ट्रिक लेके आए हैं, आप इसको याद कर सकते हैं बहुत इजी वे में, हड़प्पा सभ्यता के सीमा स्थल को। हमारी पहली ट्रिक है आसू मादा। आ से आपका आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है, और कौन से छोर पे स्थित है हड़प्पा सभ्यता के, ईस्ट छोर पे स्थित है, मतलब पूर्वी छोर पे, ठीक है। फिर सू से आप याद करेंगे सुतकांगे डोर, जो कहाँ है, पाकिस्तान में है, और हड़प्पा सभ्यता के वेस्ट में स्थित है, ठीक है, पश्चिमी छोर पे, ठीक है। माँ से आपका हो गया मांदा, जो है आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, और हड़प्पा सभ्यता के नॉर्थ छोर पे स्थित है, ठीक है। दा से आपका हो गया दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और हड़प्पा सभ्यता के कौन से छोर पे स्थित है, साउथ छोर पे स्थित है, ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता
के सीमा स्थल को याद करने के लिए एक दूसरी ट्रिक ही ये है जिसमें हम डायरेक्शन की बात करेंगे, जिसमें आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना जरूरी है। डायरेक्शन देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, आप जानते ही हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट में आपको कौन सा वर्ड याद करना है? पुआल। पुआल, पुआल आप जानते हैं धान की भूसी को कहते हैं। बस पुआल, पू से आपका कौन सा हो गया? पूर्वी छोर। पूर्वी छोर कहाँ पे है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मैंने बताया है कि यूपी में है आलमगीरपुर, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्थ में। नॉर्थ में आपको कौन सा वर्ड याद करना है? मैन। मैन याद करना, म से आपका हो गया मांदा। मांदा जो कि है नॉर्थ में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नॉर्थ छोर पे, ठीक है। फिर बात करते हैं वेस्ट की, मतलब पश्चिमी छोर के। पशु, प से हो गया आपका पश्चिमी छोर और सु से हो गया आपका सुतकांगे डोर, ठीक है। फिर बात करते हैं साउथ की। साउथ में हो गया दाऊद। दाऊद नाम आप जानते ही, दाऊद इब्राहिम को जानते, जो बहुत बड़ा डॉन है, उससे आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। द से हो गया आपका दाइमाबाद और कौन से छोर पे? दक्षिणी छोर पे, ठीक है। की वीडियो को यही रोकते हैं और कुछ ट्रिक्स बची हुई हड़प्पा सभ्यता पे जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे और फनी ट्रिक के माध्यम से उसे जानेंगे और याद करेंगे। इसके लिए आप अगले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करिए बेल आइकन और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक और कमेंट जरूर करिए वीडियो अगर पसंद आए तो, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। दुआओं में याद रखिएगा।